फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने घर पर आकर अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 से संबंधित क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ चुके थे। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं। तो ध्यान में क्वेश्चन क्या लिखा गया है, क्वेश्चन लिखा गया है कि निम्नलिखित प्रतिरूपों को समझें और आगे बढ़ाएं। ठीक है, अब यहां देखेंगे पहला प्रतिरूप जो दिया गया है इसमें लिखा गया है 1 × 8 + 1 = 8 × 9। यानी आप पहला देखेंगे स्टेप, तो यहाँ एक है, फिर यहाँ 1 2, फिर यहाँ 1 2 3, फिर यहाँ 1 2 3 4। यानी इसका जो क्रम है स्थिति के स्टेप पहला क्रम में बढ़ रहा है। एक हुआ 1 2, ठीक है, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4, फिर यहाँ क्या रहेगा, यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5। और यहाँ 8 अवसर में एक निश्चित क्रम है, तो 8 अवसर में रहेगा निश्चित क्रम रूप में। अब बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट, तो थर्ड पॉइंट पहले एक है, ठीक है, इसका 2 3 4, तो यहाँ क्या जाएगी 5, यहाँ जाएगा 6। यानी ये भी अपना स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है, ठीक है, और इधर भी अपना स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है। लेकिन जो बीच वाला जो पद है 8, ये आपका निश्चित क्रम है या तो स्थिर है, ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। तो यहाँ लिखा गया 1 × 8 + 1 = 8 × 9, 12 × 8 = 96, 98, ठीक उसी प्रकार 123 × 8 + 3 = 987, और 1234 × 8 + 4 = 876। अब यहाँ क्या होगा, तो यहाँ क्या होगा जी, यहाँ लिखा गया 1 2 3 4, तो यहाँ क्या होगा 1 2 3 4 और 5। यहाँ क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5। प्लस में क्या रहेगा, यहाँ प्लस में यहाँ 1 है, प्लस में 2 है, 3 है, 4 है, तो यहाँ क्या होगा आपको 5 हो जाएगा। चलिए अब 8 से गुणा करेंगे और 5 को ऐड करेंगे। देखें अब ध्यान से गुणा करेंगे, 8 × 6 = 40, 40 का 0 = 4, क्लियर है। 8 × 6 = 32, 32 + 4 = 36, 36 का 6 = 3, 8 × 24, 24 + 3 = 27, 27 का 7 = 2, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 18, 18 का 8 = 3, 8 × 8 = 9, ठीक है, ये कितना हो गया 8 से, इसमें जी 12345 में 8 से गुणा कर दिया गया, तो आपको मिला 98,707। अब इसे क्या करना है, इसमें प्लस को यानी प्लस 5 को ऐड करना है, यानी प्लस 5, और इसको जोड़ देंगे क्या मिलेगा जी, 5 0 5, और 6 का 6, 7 का 7 लिख लेंगे, 8 का और 9 का 9, 98,765 इसका जो होगा सही मान आएगा। तो यहाँ आपको पढ़ा एक प्रतिरूप रूप में, और यहाँ था 1 2 3 4 5, यहाँ क्या रहेगी, यहाँ होगा 1 2 3 4 5 और 6, यानी एक जो प्रतिरूप है तो यहाँ 6 तक बढ़ेगा, और यहाँ पर 5 था, तो यहाँ क्या रहेगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी 12 + 1,23,456 में 8 + यानी कि 6, ठीक है, फिर यहाँ 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, तो यहाँ 6 बन जाएगा। चलिए अब गुणा करके पहले इस संख्या में 1,23,456 में 8 से, फिर उसके बाद 6 को ऐड करेंगे, पहले तो गुणा कर लीजिए, ठीक है, ये जगह 8 × 48 का 48 का 8 = 4, 8 × 6 =
चालीस, चालीस चार चौवालीस का चार, अस्सी चार पाँचों के बत्तीस, बत्तीस चार छत्तीस, छत्तीस का छः अस्सी तीन, आठ में चौबीस, चौबीस तीन सत्ताईस, सत्ताईस का सात अस्सी दो, आठ में सोलह, सोलह दो अठारह, अठारह का आठ इक्यासी और आठ एवं आठ है नौ, कितना है जी यानी नौ लाख सतासी हजार छः सौ अड़तालीस। अब इसमें छ को ऐड कर देंगे यानी देंगे प्लस का छ बराबर क्या है छ चौदह, चार एक पाँच, छ का छ, सात का सात, आठ का आठ और नौ का नौ, यानी हो गया यह हो गया नौ लाख सतासी हजार छ सौ चौवन, कितना जी नौ लाख सतासी हजार छ सौ चौवन जो है इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ समझ आया कि यहाँ जो ये संख्या जो पढ़ रहा है एक निश्चित प्रतिरूप के तहत पढ़ रहा है, पहले पढ़ रहा है एक दो एक, फिर एक दो, फिर एक दो तीन, फिर एक दो तीन चार, फिर एक दो तीन चार पाँच, फिर एक दो तीन चार पाँच छ, और जो गुणे का क्रम आठ है जब का निश्चित है इसमें पर कोई बदलाव नहीं हो रहा है, लेकिन प्लस वाला जो संख्या है इसमें एक क्रम में आगे बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे एक हो गया दो तीन चार पाँच छ, तो पास आ जाए कि यह एक निश्चित प्रतिरूप के तहत जो आपके सामने आ गया अक्षर पर बिल्कुल सभी आंसर है, इसे हम नोट करेंगे, ठीक है, और जो समझने का प्रयास करेंगे। और एक बात और कि हम लोग आप लोग के लिए जो क्वेश्चन भेज रहा है व्हाट्सएप के माध्यम से उसे आप लोग निश्चित रूप से ही बनाकर व्हाट्सएप पर भेजें, ठीक है, आप लोग की संख्या बहुत कम हो चुकी है, ठीक है, इसलिए आप लोग उसे जिम्मेदारी से हल करके समय से भेजने का प्रयास करेंगे। तो आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।